फ्रेंड्स, मैं गीता सक्सेना एक बार आपके साथ फिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते के लिए मटर फ्राई। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मटर, कटी हुई प्याज इस तरह लंबी लंबी काटी हुई है, अदरक कसा हुआ, हरी धनिया, हरी मिर्च आधा नींबू और धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और मिर्च और नमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, अब मैं डालूंगी इसमें तेल। तेल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तेल गर्म हो चुका। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। हमारा हम डालेंगे इसमें प्याज। ये हम सब्जी नहीं बना रहे हैं इसलिए हम इसे लहसुन नहीं डालेंगे, जैसे नाश्ते के लिए मटर और इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, ये सब्जी नहीं बन रही है। हमारी प्याज थोड़ी सी वैसी हो गई, हल्की सी भुन चुकी। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च और ये कसा हुआ अदरक। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारी प्याज भुन चुकी है, इसको एकदम नहीं भूनना करके थोड़ा हल्का इस तरह कलर रखना है। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ कलर के लिए, थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाए। थोड़ा धनिया पाउडर, मिर्च अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। ये देखिए मसाला भून लिया हम लोग थोड़ा सा। अब इसमें ये मटर, इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्जी नहीं है ये, सिर्फ ये मटर ऐसे नाश्ते में आप बना के खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब मैं इसको रख दूँगी, पानी नहीं डालूंगी। मैं किसी भी सब्जी में पानी नहीं डालती हूँ, आप देखते हो किसी भी सब्जी में पानी नहीं डालते। ये 5 मिनट बाद मटर जब गल जाएगी तब इसको खोल के देखें। चलिए देखते हैं, हमारी मटर गल चुकी है। ये मटर हमारी गल चुकी है, देखते हैं मटर गल चुकी है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू। इस तरह नींबू डालें तो बीजे ऊपर रह जाते हैं। इसको थोड़ा सा नींबू डालने के बाद थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें डालेंगे हरी धनिया। हमारी मटर नाश्ते के लिए तैयार है। इस तरह आप मटर बनाइए और चाय के साथ गर्मा गर्म खाइए, बहुत अच्छी लगती है मटर, बहुत ही अच्छी। कभी आप बना के देखिए इस तरह की मटर। चलिए हमारी मटर तैयार है, देखिए ये आप, ये देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसको बना के ट्राई ज़रूर करिए।